हमारे पास ये हीटर है जी। हाँ जी, ये इलेक्ट्रिक हीटर है PPR के जॉइंट करने के लिए, पाइप और फिटिंग के। ये हम बाइक को सिखा रहे हैं, ये 3/4 का पाइप है और 3/4 की एल्बो, इसका जॉइंट करना हम इनको सिखा रहे हैं। इसमें ये जो गोटी लगती है ये 3/4 की है, ये जो इसमें गोटी है ये 3/4 की है, ये जो प्याला सा रहता है ये गोटी इसकी 3/4 की है, ये जो प्याला सा आपको नज़र आएगा प्याले के लिए इसकी तरफ पाइप जाएगा और ये जो गोटी है इसकी तरफ फिटिंग जाएगी एल्बो की कुछ भी है। और ये आप जब जॉइंट करते हैं तो पहले ये क्या नाम है इसको टर्न ऑन किया है। हाँ ये ऑन है, यहाँ पे इसका थर्मोस्टेट का ये बटन है गेज का, लेकिन ये हमारे वक्त टूटा हुआ है, बस इसे फुल पे रख दें। ये प्रेस वाला आयरन सिस्टम है, खुद ही ऑन ऑफ होगा, ज़्यादा हीट हो जाएगा खुद ही ऑफ होगा, ऑन ऑफ होता रहेगा। अगर ये डायरेक्ट हो जाए तो ये जो इसका तवा है ये पिघल के गिर जाएगा, ये भी ख्याल रखना। अगर आप काम कर रहे हैं बटन ऑफ नहीं हो रहा कंटिन्यू ऑन है तो इसे खुद ही ऑन ऑफ करना है आपने, सही समटाइम ये होता है। तो अगर आप इसे ऑफ नहीं करेंगे बटन से तो प्रॉब्लम ये होगी कि ये पिघल के गिर जाएगा। फिर क्या चीज़ पिघल गिर रही ये? हाँ ये आगे से सारा इसका फ्रंट पेज पूरा गिर जाएगा। ये हर साइज़ के लिए 20 mm से लेके आपके 20 mm से ये mm में काउंटिंग होगा, 20 mm से लेके इसकी ये जो बोल्टें और ये फिटिंग जो है ये 63 mm तक और फिर 2-3 मतलब उसको आप mm में कन्वर्ट कर दें वहाँ तक ये जाएगा। और इसका जॉइंट का ये तरीका है, अगर आपको आइडिया नहीं है एक तरफ से पाइप जाएगा ये जो एल्बो फिटिंग एल्बो टी जो भी आपने लगाना है सॉकेट, इसका आइडिया ये है कि एल्बो टी कोई भी है ये जब इस तरफ ये पूरी जाएगी तो इधर से आपका आइडिया है कि ये पाइप भी उतना ही चला गया तो फिर आपने निकाल के जॉइंट करना है। अगर फॉर एग्जांपल आप भूल जाते हैं कि पाइप कितना गया है मुझे तो याद नहीं है तो आप एल्बो टी को देखें कि ये कहां तक चली गई है, ये यहां तक चली गई है तो ओके है बस उतारे इतना भी ये भी जा चुका होगा फिर आप जॉइंट कर लें। अभी इसी गर्म हवा निकल रही है। हाँ बस अभी हीट हो रहा है, हो गया हीट तो ऑटोमेटिक ऑफ हो गया, बस ये हीट हो गया ऑटोमेटिक ऑफ हो गया। अब आयरन वाला हिसाब है थोड़ी थोड़ा सा ठंडा होगा तो ये खुद ही ऑन हो जाएगा वापस बटन और ये दोबारा से तेज़ हो जाएगी। मैं जॉइंट करूँ आप देख लीजिएगा, ये इस तरफ से पाइप टर्न है, ये फिटिंग एल्बो टी जो आपके पास है बस थोड़ा जोर लगा के रखना और पाइप को घुमाना नहीं है ज़्यादा, ऐसे घुमाना नहीं है बस लेवल में रखें दोनों को जी सीधा रख के ना तो बस हल्का सा दबाव दे प्रेशर दे राइट और लेफ्ट वाले दोनों एंड को, मतलब आपको पाइप को ऐसे ऐसे घुमा के नहीं छुड़ाना ज़बरदस्ती, वो खुद ही पिघल के जाएगा। अभी आप जैसे देखें ये हम एल्बो लगा रहे हैं तो ये एल्बो यहाँ तक हो गई है तो आप इसे उतार लें, इतना आपका पाइप भी हो गया थ्रेड निकल गई है बस ये आप इधर ज्वाइंट कर लें। और ये 2-3 सेकंड होते हैं जहाँ से आपने मुंह जिस एंगल में से रखना है उसी एंगल में आपने 2-3 सेकंड छोड़ देना है। अब इसको आप जो मर्जी कर लो ये अब चेंज नहीं हो सकता, ना ये खुलेगा ना कुछ, ये कटेगा ही आप। और इसके ऊपर आपने उंगली नहीं लगानी कि आप कह रहे यार ये ज्वाइंट ढीला ये वो इसको उंगली से मैं यूं करूँ, नहीं जो कुछ होगा इसके अंदर होगा। जब आप अगर आप ऐसे उंगली से ये प्रेस करेंगे तो टेस्ट देने अगर आप जा रहे हैं तो वो आपको फेल कर देंगे, उंगली नहीं लगानी, ये हेल्पर के काम होते हैं उंगली लगाना और ये वो, आपको अपने हाथों पे खुद पे इतना कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि भाई मेरा जॉइंट ओके है। जब आप यूं करेंगे तो वो समझ जाएंगे बंदा नाड़ी है, ठीक है।